हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मिंत्रा हॉल। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुर्ता प्लाजो दुपट्टा सेट जो रिसेंटली ही मैंने मिंत्रा से परचेस किए हैं। साथ में आपके साथ में विंटर के जो वुलन कुर्ताज होते हैं वो भी शेयर करूंगी। और ये सारे के सारे आइटम जो है वो मैंने परचेस किए हैं जो मिंत्रा की अभी रिसेंट में सेल चली थी, बहुत ही बड़ी वाली सेल जो साल में सिर्फ 2 से 3 बार आती है, उस सेल के दौरान मैंने इनको परचेस किया है। तो मुझे ये आइटम जो है बहुत चीप रेट में रिसीव हुए हैं, बट आप इन्हें अभी भी परचेस कर सकते हो क्योंकि मिंत्रा पे ऑलवेज कोई ना कोई सेल तो चलती ही रहती है। तो ये अभी भी आपको उतने डिस्काउंट में नहीं बट थोड़े बहुत डिस्काउंट में तो डेफिनेटली मिल ही जाएंगे। सभी के जो स्क्रीनशॉट है जिस प्राइस में मैंने इनको परचेस किया है वो मैं साइड में यहां पे लगा दूंगी पिक्चर्स, और जितने भी ट्राई ऑन है वो भी आपको साइड में देखने को मिल जाएंगे, और जितने भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखते हैं मैंने कौन कौन सी शॉपिंग की है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने कंप्लीटली सेट लिया है जिसमें आपको दुपट्टा मिलता है, प्लाजो मिलता है, कुर्ता मिलता है। तो गाइस, आप अगर मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि जो लिबास ब्रांड है मैं उसी से हमेशा जो कुर्ता प्लाजो सेट है वो पूरे सेट जो है परचेस करती हूँ। वो मेरा फेवरेट ब्रांड है। अगर आप कॉटन के कपड़े खरीदते हो तो डेफिनेटली आप उस ब्रांड को ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने एक येल्लो कलर का सूट परचेस किया है जो कुछ इस तरह का दिखता है, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसका कुर्ता आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह का इस पूरे सेट में आपको जो कुर्ता रिसीव होगा वो कुछ इस तरह का होगा। यहां पर आपको लिबास का टैग मिल जाएगा और यहां पर आपको साइज लिबास लिखा हुआ ब्रांड का मिल जाएगा। एक्चुअली ये एक्सल साइज का है बट मेरा जो साइज है वो मीडियम है। और ये जो कुर्ता है वो कम्प्लीटली कॉटन कुर्ता है। तो सबसे पहले हम इसके डिटेलिंग की बात करते हैं। तो इसकी जो नेक है आपको इस तरह की हल्की सी जो वी नेक है वो मिल जाएगी, और नेक पे आपको इस तरह का जो ब्रिक रेड कलर है वो पैटर्न मिलेगा जो कम्प्लीटली टॉप से लेके बॉटम तक है। ये एक स्ट्रेट पैटर्न का कुर्ता है बट इस कुर्ते के जब एंड में देखोगे तो आपको एक छोटा सा स्लिट यहाँ पर प्रोवाइडेड है जो बहुत ही अच्छा सा ग्रेसफुल लुक देता है। अगर मैं सबसे खास बात जो है इसकी स्लीव्स की बात करूं तो जो इसकी स्लीव्स है वो 3/4 है, प्लस यहां पर स्लीव्स में क्या है, जो भी इसका दुपट्टा है, जो भी इसका प्लाजो है उसका पैटर्न दे रखा है, और साथ में यहां पर बहुत ही थोड़ी सी गोटा पट्टी की डिटेलिंग दे रखी है दोनों साइड में। इस कुर्ते में बहुत ही अच्छा व्हाइट कलर का और ब्रिक रेड कलर का पैटर्न दे रखा है जो इस कुर्ते को बहुत ही अच्छा बनाता है। और इसका जो कलर है वो बहुत ही ब्राइट साइड में है, बिल्कुल भी डल कलर आपको रिसीव नहीं होगा। प्लस कि ये जो है वो सी थ्रू नहीं है, तो आपको अंदर इनर्स जो पहनने की स्पैगेटी पहनने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह का है ये कुर्ता, और नी लेंथ सकते ये नीचे, नी लेंथ से नीचे आ जाएगा। अगर आपकी हाइट 5'7" है तो भी ये कुर्ता जो है आपको नी लेंथ से आएगा। बहुत ही अच्छा मटेरियल है। इसके साथ मुझे प्लाजो रिसीव हुआ है। मैं ज्यादातर जो है प्लाजो वाले ही ऑर्डर करती हूं, पैंट वाले मैंने अभी तक ऑर्डर नहीं किए, बहुत ही कम ऑर्डर किए हैं। तो यहां पर आपको एक सेमी इलास्टिक प्लाजो मिलता है जिसके आगे आपको बेल्ट मिल जाएगा, पीछे आपको इलास्टिक मिल जाएगा। प्लाजो के दोनों साइड आपको पॉकेट मिल जाएंगे, और इस तरह का जो इसमें ज्यादातर रेड कलर है थोड़ा कॉन्ट्रास्ट करके दिया हुआ है, तो ये रेड कलर का रेड और येलो के कॉम्बिनेशन में प्लाजो मिलेगा। प्लाजो की जो प्लाजो कितना वाइड है ये आप देख सकते हो, बहुत एक्सट्रीम में वाइड नहीं है, तो एक तरह का प्लाजो पैंट का ही आपको लुक देने वाला है। कंप्लीटली कॉटन मटेरियल का है ये भी। इसके साथ आपको रिसीव होगा एक दुपट्टा जो कि फुल साइज दुपट्टा है। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो प्योर कॉटन मटेरियल का इस तरह का आपको दुपट्टा रिसीव हो जाएगा जिसके बॉर्डर पे तो इस तरह का प्रिंट है, और ऑल ओवर दुपट्टा पे आपको इस तरह का प्रिंट मिल जाएगा। आप दुपट्टे के साइज देख सकते हो, अच्छी खासी आपको लेंथ में, अच्छी खासी आपको विड्थ मिल जाएगी इस दुपट्टे में। तो जो भी लेडीज हैं वो इस तरह के दुपट्टे कैरी करती हैं जिन्हें सर पे ओढ़ना होता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। प्लस जो टीनेजर्स वगैरह हैं, अगर कॉलेज गोइंग गर्ल वगैरह, वो भी अगर परचेस करते हैं तो आजकल जो इस तरह के दुपट्टे होते हैं वो बहुत ही अच्छे लुक देते हैं, बहुत ही ट्रेंड में चल रहे हैं कॉटन के सूट। कुछ इस तरह का सूट मैंने परचेस किया है, और इस सूट की मैं प्राइस आपको बता दूं, ये मैंने 674 रुपीस में जस्ट परचेस किया है। और अगर आप इसकी एमआरपी देखोगे तो जो इसकी एमआरपी है वो है 2499। इसके हिसाब से तो मुझे बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगता है कॉटन के सूट के लिए, बट मैंने इसको स्टील डील में परचेस किया है 674 में। इस पूरे कंप्लीट सेट को मैंने परचेस कर लिया है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेकेंड कुर्ता सेट मैंने एक्चुअली मेरे लिए परचेस किया है कुछ इस तरह का है, जो भी मैंने लिबास ब्रांड से ही किया क्योंकि मैं मेरे लिए अधिकतर जो है वो लिबास ब्रांड से ही करती हूँ। अभी तक मैंने कुर्ता सेट में कोई भी दूसरा ब्रांड ट्राई नहीं किया है। कुर्तीज में तो मैं फिर भी ब्रांड्स को ट्राई करती रहती हूँ। तो ये है लिबास ब्रांड का साइज, आपको सभी को पता होगा, वीडियोज देखते होंगे। तो मेरा साइज जो है वो मीडियम है, ट्राई ऑन आपको साइड में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं अगर इसे खूबसूरत सी नेक की बात करूँ तो इसकी जो नेक है इस तरह की है,
है तो राउंड नेक, बट यहाँ पर आपको वी कट मिल जाएगा। वी कट के साथ आपको यहाँ पर गोटा पट्टी की डिटेलिंग भी मिल जाएगी नेक पे, और प्लस आप देखोगे तो नेक एरिया से जो बस्ट एरिया है उस पे आपको कंप्लीटली जैसे व्हाइट अलग कलर का जो फैब्रिक है वो जोड़ा गया है। साथ साथ में आपको दिख पा रही होंगी यहाँ पे मिरर वर्क भी दे रखे हैं, और इसके साथ में भी यहाँ पे गोटा पट्टी की जो गोखरू टाइप की लेस होती है वो इसके बस्ट एरिया तक यहाँ पर दे रखी है कुछ इस तरीके से, और मिरर जो है वो ग्रीन कलर के हैं। इसके अगर मैं स्लीव्स की बात करूं तो इसकी स्लीव्स जो है वो 3/4 है। अगेन जो इसकी नेक एरिया पे पैटर्न दे रखा है वही इसकी स्लीव्स में पैटर्न दे रखा है। पिंक कलर का बॉर्डर है जो कोई बिल्कुल प्रिंटेड है, एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बट यहां पर आप देखोगे तो अगेन व्हाइट कलर में ये मिरर लगे हुए हैं ग्रीन कलर के और लेस के साथ है, जो बहुत ही एलिगेंट लगता है। जब आप इसको वियर करोगे ना तो ट्रस्ट मी ये आपको एकदम अच्छा सा लुक देने वाला है, बहुत ही क्लासिक लुक देने वाला है। बाकी जो कंप्लीट सूट है आप देख पा रहे हो ब्राउन कलर का सूट है जिसमें पिंक कलर के इस तरह के फ्लावर दे रखे हैं। सूट की जो लेंथ है वो काफी ज्यादा अच्छी है, 5'7" अगर आपकी हाइट है तो आपको नी लेंथ से बहुत नीचे तक ये सूट आने वाला है। और गाइस अगर आप लिबास के कुर्ता सेट परचेस करते हो तो आप स्टिचिंग तो इनकी एकदम एकदम फंटास्टिक होती है, बहुत ही प्रॉपर से स्टिच किया हुआ होता है कि ये आपके बॉडी को इतना अच्छा दिखाता है ना, बिल्कुल भी जैसा टेलर आपको स्टिच करके देते हैं ना बिल्कुल वैसे स्टिच किया हुआ होता है, तो स्टिचिंग के मार्क्स भी इसके पूरे हैं। तो इस तरह कुर्ता है जिसमें आगे और पीछे आपको इस तरह का प्रिंट मिल जाएगा। इसके साथ में मुझे एक प्लाजो रिसीव हुआ है, मैं प्लाजो वाले ही ऑर्डर करती हूँ, तो इसका जो प्लाजो है इसके जो नेक एरिया पे और जो स्लीव्स पे डिटेलिंग दे रखी थी उस तरह का व्हाइट कलर का मुझे ये प्लाजो रिसीव हुआ है। सेमी इलास्टिक प्लाजो है इस तरीके से, दोनों साइड में इसके पॉकेट इंक्लूड है, और ये जो प्लाजो है ना वो एंकल लेंथ प्लाजो है, फुल लेंथ प्लाजो नहीं है, बट इतना भी एंकल लेंथ नहीं कि बहुत ज्यादा ऊंचा लगे, आप ट्राई ऑन में देख लीजिएगा। इस प्लाजो की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है बॉटम में, वो थोड़ी सी ज्यादा है, एक काइंड ऑफ शरारा लुक देता है, और साइड में आपको ये पिंक कलर का बॉर्डर मिल जाएगा। प्योर कॉटन मटेरियल का कंप्लीट सूट है, प्लाजो भी प्योर कॉटन है और कुर्ता और दुपट्टा भी। इसके साथ जो है अगेन मुझे एक दुपट्टा रिसीव हुआ है जो कि जिसकी लेंथ जिसकी विड्थ काफी ज्यादा चौड़ी है, और दुपट्टा भी इस तरह का जो है वो प्लाजो से कॉन्ट्रास्ट करते हुए है कि साइड में जो कुर्ते का फैब्रिक है ब्राउन कलर का वो दे रखा है और बीच में पूरा व्हाइट कलर का है। तो इस तरह के आजकल आपने दुपट्टा और कुर्ते देखे होंगे जिसमें इस तरह का प्रिंट हो रखा है, आप देख पा रहे होंगे इसकी जो लंबाई है वो काफी ज्यादा अच्छी है, चौड़ाई जो है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, प्लस इसमें जो प्रिंट है वो बहुत ही क्लासिक है, यूनिक है। तो मैं इन दोनों ही कुर्ता सेट को आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको डेफिनेटली परचेस कीजिए, और अगर अभी तक आपने लिबास ब्रांड को ट्राई नहीं किया है तो मेरे कहने से आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए। ये जो कुर्ता सेट मैंने परचेस किया है इसके साथ मुझे एक इसका मैचिंग का मास्क भी रिसीव हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है। आजकल तो मास्क हर एक कुर्ता सेट के साथ मुझे लगता है देने चाहिए, क्योंकि गर्ल्स बहुत ही आजकल मैचिंग मास्क लगा रही है, तो मुझे इसके साथ एक मास्क भी रिसीव हुआ है। अब मैं इसकी आपको एमआरपी दिखाती हूँ, तो गाइस इसकी जो एमआरपी है वो है 3599, यानी उस वाले कुर्ता सेट से भी ज्यादा है, बट ट्रस्ट मी ये मुझे सिर्फ 647 का मिला है। एक्चुअली 700 तक ये आफ्टर डिस्काउंट था, देन मुझे 10% का एक कूपन लगाना था, मैंने वो कूपन लगाया तो मुझे 650 रुपये में ये कंप्लीट कुर्ता प्लाजो दुपट्टा और विद मास्क मुझे ये सेट रिसीव हुआ। तो ये भी एक स्टील डील है, मैं ऑलवेज मिंत्रा से हमेशा ऐसे चीप रेट में बहुत सारे सूट परचेस करती हूँ। मैंने बहुत सारे लिबास के कुर्ता प्लाजो सेट के वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। मेरा एक और मन है कि मैं जितने भी कुर्ता प्लाजो सेट जो मैंने लिबास से परचेस किए उसका कंप्लीट एक वीडियो बना के पोस्ट करूं। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे पास कितने लिबास से कुर्ता प्लाजो सेट देखना तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं जरूर वो वीडियो लेके आऊंगी। उसके बाद मैंने परचेस किए हैं 2 कुर्तीज जो कि एक्चुअली मैंने मिंत्रा से नहीं परचेस किया, ये मैंने परचेस किए हैं आजियो से, मैं इसी हॉल में साथ में इंक्लूड कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कुर्तीज है, ये है वुलन कुर्ती जो ऊन का फैब्रिक होता है ना, तो जैसे आप स्वेटर पहनते हो उस तरह की ये कुर्ती है। तो सबसे जो पहली कुर्ती है वो इस तरह की है, प्रोजेक्ट इवनिंग, जो प्रोजेक्ट ईव इसका ब्रांड है, और मैंने साइज जो है इसका मीडियम ऑर्डर किया था। इसकी जो एमआरपी है गाइज वो है 1999, यानी 2000 इसकी एमआरपी है, बट ये मुझे 75% से 80% तक के डिस्काउंट में मिली थी, तो ये जस्ट मुझे 500 रुपीज की मिली थी, जो बिल्कुल भी वर्थ है इसके लिए। एक्चुअली ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है इस प्राइस में गाइस। इसकी क्वालिटी अगर आप इमेजिन कर पा रहे होते, अगर मैं आपको हाथों में भी दे पा रही होती, तो बहुत ही बल्कि बहुत ही अच्छा वाला जो इसका ऊन मटेरियल है वो यूज हुआ है, आप देख सकते
सकते हैं इस तरह की, इसमें वी नेक प्रोवाइडेड है और यहाँ पे फ्रंट में आपको इस तरह के 4-5 बटन मिल जाएंगे। स्लीव्स तो हमेशा विंटर कुर्तीज में जो होती है वो फुली होती है, स्ट्रेट पैटर्न की कुर्ती है और साइड में आपको स्लिट मिल जाएगी। आप इसका नजदीक से फैब्रिक देखिए, फैब्रिक जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी वाली ऊन है। अगर आप इसको एक बार पहन लोगे तो आपको डेफिनेटली सर्दी नहीं लगने वाली है और 500 रुपए में आपको कहीं पे भी लोकल स्टोर में भी ऐसी कुर्तीज नहीं मिलने वाली है। बट ये ब्रांड जो है वो मैंने पहली बार ट्राई किया, तो मैं ऑलवेज चाहे कोई भी कुर्ता सेट लेती हूँ हर एक में मैं साइज जो है वो मीडियम ही परचेस करती हूँ। बट ये मुझे बहुत ज्यादा लूज है, तो इसको पहनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी हेल्थ के हैं उन्हें एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल साइज के लिए जाना चाहिए इस ब्रांड के लिए, क्योंकि ये साइज मुझे बहुत ही स्मॉल लगा। लेकिन फिर भी मैं आपको इसका ट्राई ऑन तो दे ही दूंगी, बहुत ही अच्छा। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप सर्च कर रहे हैं एक अच्छा सा वूलन कुर्ता आपको चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। दूसरा जो कुर्ता है वो मैंने अगेन वूलन कुर्ता ही लिया है, जो कि मैंने आजियो से लिया है और इसका जो ब्रांड है वो अलग है। जो मैंने फ्यूजन ब्रांड है इसको ट्राई किया है, इसके मैंने और भी क्लोथिंग आइटम ट्राई कर चुकी हूँ मैं इसके। इसमें जो मेरा साइज है ना वो है मीडियम 16x9 इसकी प्राइस, और जस्ट मैंने इसको 424 रुपीज में परचेस किया है। बहुत से ऐसे क्लोथिंग आइटम परचेस करती हूँ जिनकी रेट जो होती है बहुत कम होती है और क्वालिटी जो होती है वो सुपीरियर होती है। तो इस तरह का ये कुर्ता है, ब्लू कलर का ये पूरा कुर्ता है, डार्क नेवी ब्लू कलर होता है। और बस्ट एरिया तक आप देखोगे इस कुर्ते में तो आपको इस तरह की ये सिल्वर लाइनिंग मिल जाएगी, और पूरी स्लीव्स है, स्लीव्स पे आपको इस तरह की ब्लू कलर में ये सिल्वर लाइनिंग मिल जाएगी। फुल स्लीव्स का ये कुर्ता है और ये इसका राउंड नेक है। प्रीवियस जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने यही कुर्ता पहना था और शूट किया था उस वीडियो को। बट ये जो है ना एक तरीके से अगर मैं तो इसको पहनूंगी तो एज अ कुर्ता ही पहनूंगी, लेकिन जो गर्ल्स हैं जो टीनेजर्स हैं वो इसको एक तरीके से ड्रेस टाइप का है। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा नहीं था, ढंग से देखा नहीं था, तो मुझे लगा इसके साइड में दोनों साइड आपको स्लिट मिल जाएंगे। बट इसका जो स्लिट है ना वो इसके साइड में है और वो सिर्फ एक ही स्लिट है। तो अगर इसको बेल्ट के साथ पहनोगे तो आपको ड्रेस वाला लुक देगा। नी लेंथ से काफी नीचे आता है ये, तो कंप्लीटली जो कंफर्टेबल है वो इसको एज अ ड्रेस की तरह पहन सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। फैब्रिक जो है बहुत ही अच्छा है, सर्दियों के हिसाब से बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि इचनेस प्रोवाइड कर रहा है ये फैब्रिक। इसका प्राइस के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है। तो जितने भी चीजें मैंने आपको आज के वीडियो में दिखाई वो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। मैं जल्दी से ऐसे कोई भी हाईली रिकमेंड चीजें नहीं बताती हूँ, जो मुझे नहीं अच्छा लगता वो मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ। बट आज की सारी चीजें जो है अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप बिना सोचे समझे डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।